दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अदालत में
जय और जीतों की धूम मच गई। कमाल है ना। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्यशाला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजदूर किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार ही गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम के कस्मे खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, आप वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। संरचना
छह हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरकार चाहते थे कि देश की एक इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझा कर मना कर 565 रियासतों को सरकार ने अपनी सूझबूझ सदाशयता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखाई दिया सरकार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। Yeah.
Wow. Oh, I'm not big at all.